अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक ब्लॉग का आगाज़ करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ, लाइट चली गई, पता नहीं लाइट क्यों लेके जाने लगे हैं इतनी। नाश्ता थोड़ा लेट हो गया था, मैं थोड़ा काम गई थी लैपटॉप पर, इस वजह से सालन ये निकाला है। आपकी रोटी मेरी जान निकल रही है, मेरे चक्कर आने लग गए हैं भूख से। वो चाहते थे नाश्ता करने के टाइम पर लाइट आ गई, शुक्र है। मैं सालन को ओवन में रखूँ गर्म करने के लिए, क्योंकि लाइट आ गई है। हाँ जी बेटा, लाइट आ गई है। एक हाथ के साथ काम करना ना बहुत ही मुश्किल होता है। सालन रख दिया रोटी को, थोड़ा सेक लेते हैं हम। साथ चाय रखी, साथ में चनों की दाल बॉयल कर रही हूँ। चनों की दाल बनानी मैंने, बस फटाफट का सारे काम कर लूँ। आजकल गैस बहुत जल्दी जाने लग गई है, तो पहले रात को खाना बना देते, अब दोपहर को ही बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे शिमला मिर्च आलू, चार पाँच दिन पुराना सारा ना। साथ में चटनी बनाई है, कैरी, पुदीना, धनिया, मिर्चें, चीनी, मीठी सी चटनी है, खट्टी मीठी, बहुत मज़े की उसका रोटी। ये मैं नाश्ता कर रही हूँ, गर्मियों में मज़ा आता है चटनी का। यहाँ पे मैं चावल पाल कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ दाल चावल। कल से दाल भी गोई हुई थी, कल हम चले गए थे पिज्जा खाने तो वो नहीं बनी। आज भी मैंने ये पैन धो के रखा है, मैं इसके अंदर प्याज काटती हूँ और दाल बॉयल कर ली हुई है। यहाँ पे बेकी हुई दाल थी, बॉयल करके रखी हुई है। मैं दाल बनाती हूँ साथ बॉयल राइस, दाल चावल बना रही हूँ और दाल बनाते हैं। आज ये कह रहा था दाल चावल बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने प्याज ऊपर रख दिया फ्राई होने के लिए। यहाँ पे मेरे पास चावल जो है वो दम लग चुका है, चावल बॉयल हो गए हैं। और ये है चावलों की शक्ल, चावल बॉयल हो गए हैं। प्याज रखा है एक्चुअली, में आग पे मैं चाय रखूँगी। सब्ज मिर्ची, टमाटर, अदरक, लहसुन की पेस्ट सब कुछ रखा हुआ है। मैंने सैलड के लिए खीरे रखे हैं, भी सैलड भी बनाना है। और जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं। यहाँ पे मेरी दाल जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। दाल को मैंने हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड किया है, उसके अंदर थोड़ा सा भी एक मुठ्ठी आटा डाल के उसको अच्छी तरह मैंने मिक्स किया है। तो ये मेरी दाल की शक्ल निकली, थिक हो जाती है दाल अगर आटा डाल देंगे। वो हलीम में गंदम डलती है ना, यही सीन हो जाता है और ये बहुत यम्मी हो जाती है। तो हलीम जैसा टेस्ट आएगा इस दाल से। खाली चनों की दाल है और एक मुट्ठी आटा, इसका हलीम जैसा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैं दाल चावल डाल रही हूँ और साथ में सैलड बनाया। अब हम खाना खाने लगे हैं। मुँह में अभी से पानी आ रहा है, मुझे भूख से चक्कर आ रही है। किसके बाबा? जुलकर नहीं के बेटी, क्या नाम है इसका? क्या कह रही थी अब भैया? छोटी सी बेटी है ना, छोटी सी है ना, काली है ना, मम्मा भी प्यारी है उसकी। इसने वो ऊपर जाना है, क्या हो रहा है? ये ऊपर जा रही है अकेले अकेले, मम्मा नहीं साथ जाना। और ये पता नहीं क्या हमारे मुल्क का मसला है, दिमाग का कह रही हूँ, ये सीलन का ये पेंट सही रहता है। तो यहाँ पर मैंने इस भाई को बुलाया था, इनका नंबर मुझे इच्छा बाजार में मिला था। सोफ़ा क्लीनिंग के लिए इनकी टीम है, बट अभी टीम में नहीं आते। कहते हैं लोग जो है ना वो शक करते हैं सारी बातें, इतने बुरे हालात चल रहे हैं मुल्क के, तो किसी भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी आए लूट के चल जा सकता है आपको। तो अब सिर्फ ये कहते हैं हम एक ही वन पर्सन आता है एक घर में और सोफ़ा क्लीनिंग के लिए, और करके चले जाते हैं। बहुत मेहनत लगती है, फ़ैन ऑफ करके सब कुछ करते हो इतनी गर्मी में, और पानी जैसे उनके पसीने पानी की तरह बह रहे थे। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि कितनी मेहनत से कमाते हैं, और बहुत रिजनेबल प्राइजेज हैं, और इतनी डीप क्लीनिंग, इतनी अच्छी क्लीनिंग करते हैं। लाइक न्यू सोफे जैसा हो जाता है, जितनी मैल है सारा निकल गया, और इतनी मैल निकली कि गंदा गारा जो है ना वो लग रहा था। और जस्ट 350 रुपीज़ पर सीट के हिसाब से इन्होंने मुझे चार्ज किया है। 6 सीट्स हैं ये और 2 स्टूल्स हैं, 2 स्टूल के इन्होंने 250 रुपीज़ पर स्टूल इन्होंने मुझे चार्ज किया। टोटल 2600 मैंने इनको पे किया है। और इनकी सर्विस, इनका अखलाक, शराफत, मतलब आँख उठा के इन्होंने देखा, घर में आए हैं, जारी बात है
किसी को भी हम घर में नहीं घुसा सकते किसी मेल को तो, बट काफ़ी अच्छे भाई हैं देख लिए अब, जैसे कि वो इस्लामी भी हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारा क्लीन किया और मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि बहुत अरसे से मैं चाह रही थी, मैं एक्चुअली ख़ुद करना चाह रही थी कि मैं ना लिक्विड ले लेती हूँ क्योंकि मुझे था ये टीम काफ़ी एक्सपेंसिव होगी, बट जब जैसे मुझे उस भाई ने नंबर दिया मैं क्या कॉल करने में हर्ज नहीं है तो कॉल करके पता करना चाहिए, जैसे मैंने कॉल करके पता किया तो मुझे तो इसके रेट बहुत मुनासिब लगे तो मैंने कहा चले ठीक है आ जाएँ और कर दें इसको साफ़ कर दें और देखिए स्टूल साफ़ करें। और इस तरह इनके पास ब्रश है इलेक्ट्रिक और उसके बाद ये वैक्यूम से सारा उसको सख्त कर लेते हैं, जो भी लिक्विड उन्होंने डाला होता है वो ड्राई हो जाता है, वो विद इन आवर जो सब प्रॉपरली सोफे कुशन सब कुछ ड्राई हो जाता है, कुशन्स के एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं इसलिए मैंने कुशन वॉश नहीं करवाए, वो वॉशिंग मशीन में साफ़ कर लिए, बस सोफे और स्टूल जो उनसे है ना जो कि स्टेन्स ऊपर पड़ गए थे गंदगी गलाजा से बच्ची के हाथ लग लग गई बाकी इस वजह से मैंने सारा क्लियर, ये धुल के खुश्क होके पड़े हुए हैं। ये देखिए कीमा भरे करेले, धागा लिपटा हुआ था धागा खोला है खा रहे हैं, बहुत मज़े के जब में बहुत मज़ा आता है करेलों का। मेरा बच्चा सो गया है तो हिबा को सुलाने के बाद अपने व्लॉग को मैं एंड करने लगी हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, ये व्लॉग मेरा कोई 3-4 दिन से शुरू हुआ है जो आज एंड होने जा रहा है। और बेसिकली मैंने आज सोफ़े क्लीन करवाए हैं, सोफ़े बहुत गंदे थे और मेरा दिल कर रहा था न्यू सोफ़ा ले लूँ पर न्यू सोफ़ों का बजट नहीं था तो मैंने फिर कहा कि चलो इसको क्लीन करवा लेते हैं इतना तो कर लेते हैं। पहले मैं कल गई थी बाज़ार हिबा के प्रॉम के टायर के लिए अगेन गई थी और टायर जो उनसे है ना वो नहीं मिला था, पहले उसका इशू ये बना था कि टायर जो ना वो छोटा आ गया था वो फिट नहीं हो रहा था प्रॉपर, फिर मैं कल लेकर गई उसको टायर को चेंज करवाया, फिर इतनी दूर गई ट्रैवल करके के थक गई और फिर मैं वापसी पे इछरा मार्केट गई, इछरा से लास्ट टाइम हम लिए थे पर्ल नाम का एक लिक्विड था जो सोफ़ों को क्लीन करने के लिए होता है तो वो पर्दे वगैरह भी क्लीन करने के लिए होता है, वो लिक्विड लेने के लिए गई तो वो नहीं मिला मुझे, तो मैंने वहाँ से जहाँ से लिक्विड पता किया था उन्होंने कहा कि टीम है सोफ़ा क्लीनिंग के अगर आप कहते हैं उनका नंबर दे देते हैं, तो मैंने हमेशा देखा है वीडियोस में जैसे स्पॉन्सर्स ऐड आते हैं उसमें देखा है, तो मुझे आइडिया नहीं था कि वो इस कदर अच्छा होगा। फिर मैंने सोफ़ा क्लीनिंग टीम को बुलाया और उनको कांटेक्ट किया, उनसे पूछा पर सीट आप कितना ले रहे हैं क्योंकि जाहिर बात अपना बजट देखना है, उन्होंने बताया 350 रुपीज़ पर सीट लेंगे, मैंने कहा मेरे पास 2 स्टूल्स भी हैं, उन्होंने कहा 250 रुपीज़ पर स्टूल लेंगे हम, तो टोटल 2600 रुपीज़ बने और मैंने सोफ़ा क्लीन करवा लिया, माशाल्लाह मेहनत काफ़ी हुई, गंद काफ़ी डला, उन्होंने काफ़ी हद तक साफ़ किया, नीचे जो कीचड़ बना था बहुत गंद निकला कीचड़ निकला वो उन्होंने काफ़ी हद तक उसको वाइपर करके इकट्ठा करके उन्होंने वैक्यूम से उसको साफ़ कर लिया, बट उसके बाद भी जो छींटे पड़ी हैं शीशे गंदे हुए दीवारें सारा कुछ क्लीन किया वो कर करके मेरी मत मारी गई तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई, तो बस अब कल भी काम है उधर जाना है, मेरी बहुत प्यारी मेरी ओवरसीज़ फ्रेंड है और उनकी वो आउट ऑफ स्टेशन से हैं बेसिकली पाकिस्तान से, तो उनको मेडिसन चाहिए लाहौर से उनकी वालदा के लिए, तो मुझे कह रही थी कि अगर आप लेकर भेज दें तो आप भेज देंगे, तो मैंने कहा डेफिनेटली, जाहिर बात है कि बहन भाई किस लिए होते हैं, मतलब वो मेरी इतनी अच्छी बहन दोस्त हैं हमारी बात होती है, तो मैंने कहा डेफिनेटली मैं भेज दूँगी, तो कल मुझे उसके लिए जाना है इतनी दूर जाना है, तो अब उसके उसका हो गया थकावट चले बस काम तो दिन रूटीन के सारे चलते रहते हैं, तो मैंने थोड़े से क्लिप्स लिए थे सोफ़ा क्लीनिंग के वो मैंने ऐड कर दिए हैं व्लॉग में, आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो, अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, कोई सजेशन कमेंट सेशन में जो बताएगा चैनल पर नहीं तो कहीं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इंशाल्लाह कल एक न्यू व्लॉग के साथ फिर से मिलूंगा, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।